का आप कोई भी दुपट्टा यूज कर सकते हैं या फैब्रिक भी अगर यूज करना चाहें तो 2 मीटर का फैब्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दुपट्टे को सबसे पहले मैंने वन साइड से फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। एक बार फोल्ड करने के बाद हमें इसे दोबारा फोल्ड कर लेना होगा। इस तरीके से मैं इसे दोबारा फोल्ड कर लूंगी। 2 फोल्ड्स करने के बाद आप इसके मेजरमेंट के लिए आपकी कोई भी कुर्ती की जरूरत होगी तो आप अपनी कोई भी कुर्ती लें, उसे हाफ में फोल्ड कर लें एंड फोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड पे इसे प्लेस कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुर्ती को फोल्डेड साइड पे प्लेस कर लिया। एक साइड खुली हुई होगी, एक साइड बंद, तो बंद साइड पे हमें अपनी कुर्ती को प्लेस कर लेना होगा। कुर्ती रख लेने के बाद हमें कंधे की ओर देख सकते हैं हमने 1 इंच का गैप छोड़ा है, क्योंकि हमें कंधे पे इंच गैप जब छोड़ेंगे तो सिलाई करने के बाद हमारा जो फिटिंग है वो प्रॉपर आएगा। आस्तीन को भी अंदर की ओर मोड़ लेंगे। अब 1 इंच का गैप देते हुए कमर से आर्म होल पे कंधे पे हम सिलाई मार्किंग कर लेंगे। कमर से नीचे तक जितना कपड़े का घेरा है उतना घेरे पे मार्क कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्लैंट लाइन ड्रॉ किया है बॉटम तक का। अब ऑल ओवर मार्किंग करने के बाद नेक की मार्किंग कर लेंगे। नेक की लंबाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2 इंच की, क्योंकि कॉलर नेक बनाना है। चौड़ाई में रख रही हूँ जहाँ पर कंधा एंड हो रहा है, या आप 3 इंच पे रख लीजिए। अब इन सारी मार्किंग को मैंने कट कर लिया है। मार्किंग्स कट हो जाने के बाद मैं इसे खोल लूंगी तो आप देख सकते हैं इस तरीके का फैब्रिक हमें नजर आएगा। मैं यहाँ पर स्लीव्स नहीं अटैच कर रही हूँ। अगर आपको स्लीव्स अटैच करना है तो मेरी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं किस तरीके से स्लीव्स की कटिंग करना है एंड अटैच करना है, वो भी बहुत ही ईजी है। अब इसे खोल लेने के बाद हमें दोनों कंधे पे सिलाई दे देनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों कंधों पे हम सिलाई दे देंगे। कंधों पे सिलाई देने के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब सेंटर पे हम कट कर लेंगे तो यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई से सेंटर पॉइंट मार्क कर लूंगी एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर तक का। ऊपर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हम स्ट्रेट अवे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसकी किनारी को मोड़ लेंगे एंड ऊपर की ओर अब हमें कॉलर लगाना होगा। कॉलर लगाने के लिए आप सबसे पहले मेजर कर ले सर्कल का घेरा कितना है। यहाँ पर मेरा घेरा थोड़ा ज़्यादा था, लाइक 22 इंचेस, तो जो पट्टी है हमें चाहिए होगी 23 इंचेस की। आधा इंच हम दोनों तरफ मोड़ लेंगे पट्टी की ताकि नीट लुक आए। एंड देन इस पट्टी की जो चौड़ाई मैंने रखा है वो है 3 इंच की, इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद खुला हुआ साइड गले की ओर होना चाहिए एंड ऑल ओवर सिलाई कर देंगे किनारे से। किनारे पे सिलाई करने के बाद जब इसे हम खोलेंगे तो बहुत ही नीट लुक आएगा। आपको बस इसे आयरन कर लेना होगा। इसकी आगे की भी फोल्डिंग को हमने फोल्ड कर लिया है एंड इस तरीके से हमारा ये शर्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी ट्यूटोरियल था। प्लस इसे आप इस तरीके के लहंगे चोली के साथ भी कैरी कर सकते हैं, कुर्ते के साथ भी कैरी कर सकते हैं या जीन्स और ब्लाउज के साथ भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। सबसे पहले हम शर्ट प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम फैब्रिक को एक हाफ में फोल्ड कर लेंगे। एक बारी फोल्ड करने के बाद हमें इसे दोबारा फोल्ड कर लेना होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने 2 फोल्ड्स कर लिया है। 2 बारी फोल्ड करने के बाद एक साइड बंद होगी, एक साइड खोली हुई। बंद साइड पर आप अपनी कुर्ती लें, उसे फोल्ड करके रख लें। इस तरीके से आस्तीन को मोड़ लें, साइड में अमूल का शेप दे दें 1 इंच का गैप रखते हुए एंड साइड बॉडी की फिटिंग भी कभी ट्रेस कर लें। एंड इसके नीचे तक आपको ए लाइन शेप देना होगा। यहाँ पर कंधों का भी मैंने मार्किंग कर लिया है। यहाँ से बॉटम तक हमें ए लाइन शेप देना होगा। सो यहाँ पर मैं इसे कट कर लूँगी। यहाँ पर सारी मार्किंग कर लेने के बाद मैं इस एरिया को कट कर लूँगी इस तरीके से। तो कट करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने नेक एरिया भी मार्क किया है, जिसकी लंबाई मैंने 3 इंच रखा था एंड चौड़ाई जहाँ पर मेरा कंधा एंड हो रहा है कर्व शेप देते हुए उसे भी मैंने कट कर लिया है। अब इन सारी मार्किंग को कट करने के बाद हमें 2 हिस्से मिलेंगे, एक आगे के लिए एक बैक के लिए। तो यहाँ पर मैं बैक का फैब्रिक साइड में रख लूँगी एंड आगे के फैब्रिक पे हमें सेंटर पे कटिंग देना होगा, जिसके लिए हम फैब्रिक को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमें सेंटर में कट देना होगा एंड इसका आमूल भी हमें 1/2 इंच लेस करना होगा। इसलिए मैं सबसे पहले इसे हाफ में फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद फोल्डेड साइड पे आप ऊपर से लंबाई पे आप 10 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लें। 10 इंच पे पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे तो उसे हम गले की साइड से जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमें इसे जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर वी शेप क्रिएट कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमारा गला एंड हो रहा है, कंधा एंड हो रहा है, वहाँ से इसे मिला लेंगे। अब इसके नीचे से स्ट्रेट 1/2 इंच पे इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने 1/2 इंच या 1 इंच की दूरी पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। इस मार्किंग को हम कट कर लेंगे, ये हमारी शर्ट की ओपनिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं इन सारी मार्किंग को मार्क कर लूंगी एंड देन इसे मैं कट कर लूंगी। ये काफी ज्यादा इजी मेथड है।
यहाँ पर मैंने मार्किंग कट कर लिया है। आर्म होल पे आधा इंच का फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है जिससे हमारी फिटिंग प्रॉपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी मार्किंग कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके सेंटर के एंड्स को भी मैंने लॉक कर लिया है डबल फोल्ड करते हुए, आपने इसे हेम कर लेना होगा या आप कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कर लिया है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारे बैक का फैब्रिक एंड ये हमारी फ्रंट की दोनों ओपनिंग है। अब इन्हें एक के ऊपर एक रख लेना होगा एंड कंधों को जोड़ लेना होगा। यहाँ पर मैं इस तरीके से उल्टा तरफ एक के ऊपर एक रख लूंगी, कंधों को जोड़ लूंगी। कंधों को जोड़ लेने के बाद अब हमें आस्तीन की कटिंग करना होगा। यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करने के लिए मैंने अगेन बचा हुआ कपड़े का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर लंबाई जो मैंने श्रक की रखा है वो आपको जितनी रखना है, फुल लेंथ रखना है फुल लेंथ रखिए, नी लेंथ रखना है आप नी लेंथ रखिए। तो यहाँ पर आस्तीन के कपड़े के लिए सबसे पहले इसे एक बार ही फोल्ड कर ले, एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा इसे फोल्ड कर लेना होगा। एक साइड बंद होगी एक साइड खुली हुई, बंद साइड पर आप अपनी कमीज की आस्तीन लीजिए, इसे इसके ऊपर रख ले एंड रखने के बाद आप मार्किंग ट्रेस कर ले, साइड की मार्किंग कर ले एंड ऊपर की मार्किंग ट्रेस करने के लिए आस्तीन को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं आर्म होल का भी शेप ट्रेस कर लेना हो। एक इंच का गैप करते हुए मैं साइड में मार्क कर लिया है एंड ऊपर की भी मार्किंग इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब इसे मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो आपको दो आस्तीन नज़र आएगी। आप आस्तीन के नीचे की तरफ देख सकते हैं मैंने इसकी एरिया भी हेम कर लिए हैं एंड यहाँ पर हमें दो आस्तीन मिल चुकी है। तो इसे इस तरीके से रख लेंगे एंड फ्रंट सेक्शन मार्क कर लेंगे कहाँ पर फ्रंट आएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने फ्रंट एरिया मार्क कर लिया है, इन्हें एक साथ रखना होगा एंड यहाँ से भी आधा इंच कट कर लेंगे। ये जो हिस्सा है ये हमारे श्रक के आगे के हिस्से पे आना, ध्यान दीजिए जो एरिया आपने कट किया है वो हमारे श्रक के आगे के हिस्से में ही आना चाहिए, इसलिए मैंने फ्रंट की मार्किंग वहाँ पर कर दिया है। अब इसे बस हमारे श्रक के साथ हम अटैच कर लेंगे। जो सेंटर पॉइंट है वो कंधे की ओर इस तरीके से रखते हुए बीच से सिलाई देते हुए कोने तक सिलाई देना होगा। ऐसे ही मैं दोनों आस्तीन को फिट कर लूँगी। दोनों आस्तीन को लगा लेने के बाद हमें इसे पलट लेना होगा एंड साइड्स भी सिलाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने दोनों आस्तीन को जोड़ लिया है, सारी एरिया को हेम कर लिया है, गले का एरिया सबको हेम कर लिया है। अब बस इसे फ्लिप करके हमें साइड सी लेना होगा एंड यहाँ पर हमारा श्रक तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी मेथड था गाइज एंड आप इससे बनाने के लिए अपने शिफॉन का दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड सीने के लिए आपको आस्तीन से नीचे तक की सिलाई सबसे पहले हम इसकी बॉडीज तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है सिर्फ आधा मीटर का कपड़ा। इसे वन साइड से इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद हमें इसे दोबारा फोल्ड कर लेना होगा, दो बार फोल्ड कर लेंगे। देन हम हमारा कोई भी टॉप इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे फोल्डेड साइड पे, टॉप को भी फोल्ड करते हुए ही प्लेस करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक टॉप लिया है जो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल ना हो, तो मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है एंड अब मैं इसके ऊपर प्लेस कर लूंगी। अब एक इंच का डिस्टेंस देते हुए हमें मार्किंग कर लेनी होगी ऑल ओवर। स्लीव्स को भी हम फोल्ड कर लेंगे ताकि हम हमारा आर्म होल का शेप भी अच्छे से ट्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को भी फोल्ड कर लिया है एंड कंधे की ओर हम एक इंच नीचे से रखेंगे जिससे हमारा जो कंधा है वो प्रॉपर आए। जैसे कि ऊपर की ओर आप देख सकते हैं मैंने एक इंच का गैप छोड़ा है क्योंकि सिलाई में जाता है, इसलिए हमें हमेशा छोड़ना चाहिए कंधे की ओर। आस्तीन को फोल्ड करके मैं एक इंच की मार्किंग दे दूंगी। ऑल ओवर मार्किंग देने के बाद हम कंधे पे भी स्लांट मार्क कर लेंगे एंड इस तरीके से हमारी ये साइड की मार्किंग हो चुकी है। नेक के लिए मैं लंबाई ले रही हूँ 3 इंच की एंड चौड़ाई ले रही हूँ अगेन 3 इंच की। जो हमारी बॉडीज की लंबाई है वो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 14 इंचेस। एक इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। इस तरीके से मैं नेक की भी मार्किंग कर लूँगी दोनों तरफ 3-3 इंचेस लेते हुए एंड एक कर्व शेप ड्रॉ कर लूंगी। कर्व शेप ड्रॉ करने के बाद इन्हें भी हम मिला लेंगे।
कंधे की ओर हमें एक स्लांट शेप मार्क करना होगा जिससे हमारा कंधा प्रॉपरली बैठ जाए। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए स्लांट शेप इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब इन सारी मार्किंग को मैं कट कर लूंगी। कट करने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो हमें ऐसे ही दो शेप मिलेंगे, एक फ्रंट के लिए एंड एक बैक के लिए। तो जो बैक फ्रंट का हिस्सा है उसे हम लेंगे, बैक के हिस्से को हमने साइड में रख लिया है, इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर पे हमें स्ट्रेट कट कर लेना होगा, या तो आप स्ट्रेट कट कर ले, बट यहाँ पर मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर जहाँ से हमारा नेक एंड हो रहा है वहाँ से बॉटम तक मैं एक स्लांट वी शेप ड्रॉ कर लूंगी। अब इसे मैं कट कर लूंगी। अब जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है इसे भी हमें हाफ इंच कट करना होगा ताकि हमारी फिटिंग प्रॉपर आए। इस तरीके से बॉटम पे ही मैंने हाफ इंच कट कर लिया है एंड यहाँ पर भी मैं इसे कट करूंगी। अब इसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद आगे का कपड़ा एंड पीछे का कपड़ा एक के ऊपर एक रखेंगे एंड कंधों को मिला लेंगे। इस तरीके से ये मेरा फ्रंट का फैब्रिक है, कट करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा, एंड ये मेरा बैक का फैब्रिक है, इसे एक के ऊपर एक रखे कंधों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंधों को जोड़ लिया है। कंधों को जोड़ने के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पर एक लेस लगा रही हूँ, यहाँ पर इस तरीके का ही, अगर आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं। मैंने नेट का मेश फैब्रिक लिया है जिसे मैंने 3 इंच में कट कर लिया है। इसे सबसे पहले मैं अपने आगे की ओर लगा लूंगी, इस तरीके से ऊपर की ओर रखते हुए सिलाई कर लेंगे एंड ऑल ओवर आगे की फ्रंट हिस्से पे लगा लेंगे एंड नीचे के हिस्से पे भी लगाएंगे कमर के। तो यहाँ पर मैंने कमर के लिए 4 इंच का मोटा फैब्रिक ऑर्डर कट किया है, इसे नीचे की ओर मैं लगा लूंगी दोनों तरफ एंड बैक की तरफ भी। अगर आप लेस का इस्तेमाल करना चाहें तो लेस्ट भी आप ब्रॉड लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एटलीस्ट 3 इंच या 4 इंच का। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है लेस ऑल ओवर। इस तरीके से लेस लगाने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ दिखेगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर स्लीव्स की कटिंग के लिए हम कपड़े को लेंगे, इसे एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड कर लेंगे। कोई भी हम हमारी कुर्ती की स्लीव्स लेंगे, इसे फोल्डेड साइड पे प्लेस करेंगे एंड देन हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर जो फोल्डेड साइड हमारे कपड़े का है, स्लीव्स का भी फोल्डेड साइड उसी तरफ होना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से, एंड देन ऑल ओवर मार्किंग कर लेंगे। साइड का भी जो मेजरमेंट है उसे ट्रेस कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मुझे फिट स्लीव्स नहीं चाहिए इसलिए मैं नीचे की फिटिंग नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ साइड की फिटिंग ले रही हूँ एंड ऊपर का भी शेप इस तरीके से आप मार्क कर लें। ऑल ओवर हमने स्लीव्स की मार्किंग कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे तो हमें स्लीव्स के दो हिस्से मिलेंगे, एक आगे के एंड एक पीछे के। जो हमारे आगे की तरफ की स्लीव्स है उसे भी हम आधा इंच कट करेंगे, जैसे कि हमने आगे के बॉडीज पे भी आर्म होल की तरफ आधा इंच कट किया था जिससे हमारी फिटिंग प्रॉपर आए। तो इस तरीके से सबसे पहले हम रख लेंगे फ्रंट के हिस्से पे, जो स्लीव्स जाएगी वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, एक के ऊपर एक रखना चाहिए, दोनों फ्रंट का हिस्सा साथ में ही होना चाहिए एंड देन यहाँ से आधा इंच हम कट कर लेंगे। जो हमने आगे की आर्म होल पे जितना कट किया था उतना ही यहाँ पर भी कट करना होगा। यहाँ पर हमने कट कर लिया है, अब इसे हम आगे की तरफ ही लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फैब्रिक है, स्लीव्स का जो फ्रंट का हिस्सा है उसे फ्रंट की ओर ही लगाएंगे। यहाँ पर स्लीव्स लगाने के लिए हमें सेंटर से सिलाई शुरू करनी होगी बॉटम तक एंड देन अगेन सेंटर से नेक्स्ट बॉटम तक हम सिलाई दे देंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स भी अटैच कर लिया है, स्लीव्स की जो नीचे की किनारी है उसे भी मोड़ लेंगे एंड फ्लिप करते हुए साइड सी लेंगे। तो यहाँ पर हमने साइड सी लिया है। साइड सिलाई देने के बाद इस तरीके की मैंने कुछ पट्टियाँ बनाई थी जिसे मैं आगे की ओर लगाएंगे ताकि हमारे श्रक को हम टाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ओपन छोड़ सकते हैं या अगर आप चाहें तो इस तरीके से टाई कर सकते हैं। अब नीचे के घेरे के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 2 मीटर का कपड़ा। 2 मीटर के कपड़े पे हमें चुन लगाते हुए इसे लगाना होगा। तो जो कपड़े का उल्टा साइड है वो इस तरीके से रखेंगे ऊपर की ओर एंड देन छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए पूरी गोलाई पे हमें सिलाई दे देनी होगी। आगे की किनारी को हम मोड़ लेंगे सबसे पहले एंड देन छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए पूरे हमारी कमर की गोलाई पे हम सिलाई दे देंगे। आप चाहें तो 1-1 इंच का या 2-2 इंच का गैप देते हुए प्लीट्स दें।
इस तरीके से अंदर पूरी गोलाई में हमारी सिलाई हो जाएगी एंड हमारा ये श्रग तैयार हो जाएगा। इसे क्रिएट करना आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान है। अगर आप दुपट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे कि 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है, आधे मीटर में आपकी बॉडिस तैयार हो जाएगी या नीचे का घेरा होगा 2 मीटर का। इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आसान लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप इस तरह के श्रग्स को कोई भी टी शर्ट के साथ कैरी कर सकते हैं या कोई भी कुर्ती के साथ भी आप इसे पेयर अप कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा।